नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। ये चैनल संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए है। यहां आपको श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास, महाकवि कालिदास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, नीति परक ग्रंथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी मिल सकती है। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं। भरत के आश्रम में राम आकर के पहुंच गए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने तो विस्तार से इस कथा प्रसंग का वर्णन नहीं किया है, लेकिन अगर इस समय मैं महाकवि कालिदास को भूल जाऊं तो बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने अपने 14वें सर्ग में राम जब अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं, आकर के अपनी माताओं से मिले हैं, उस कथा प्रसंग का इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना भावुक भावपूर्ण वर्णन किया है कि किसी के भी हृदय में वो चीज अपना स्थान बनाए बिना नहीं छोड़ सकती। महाकवि कालिदास लिखते हैं कि जब राम लक्ष्मण माता कौशल्या और सुमित्रा के पास पहुंचे हैं तो उस समय राम लक्ष्मण को देख करके आनंद अश्रुओं से मां कौशल्या की आंखें, मां सुमित्रा की आंखें इस तरीके से डबडबा आई हैं, ऐसे भर गई हैं कि जिसकी वजह से सामने आए हुए उनके पुत्र उनको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब आप कहिए कि आंख बंद जोर से कर ली जाए तो आंसू बाहर निकल जाए या उनको पहुंच लिया जाए, लेकिन माताएं ऐसा भी नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उतनी देर पुत्रों को नहीं देख पाने की जो पीड़ा है वो सहन नहीं हो सकती है। इसलिए दोनों माताएं आंखें तो खुली रखती हैं, लेकिन उन आंखों में आनंद के आंसू भरे होने के कारण वो अपने पुत्रों को देख नहीं पा रही हैं। दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण जब माताओं को प्रणाम करती हैं तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि माताओं ने उनके स्पर्श से पहचाना कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण है। इस कथा प्रसंग को अगर विस्तार से श्लोकों के साथ देखना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट महाकवि कालिदास में जाकर के रघुवंशम का 14वां सर्ग देखना चाहिए। यहीं से आगे का कथानक उसमें है। मैं रामायण के कथा प्रसंग पे आता हूं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भरत के आश्रम में जब गुरु वशिष्ठ के पास राम बैठे हुए हैं, शिरस्यांजलि माधाय कैकेया नंद वर्धना बभासे भरतो ज्येष्ठम रामम सत्य पराक्रमम। तब भरत जी हाथ जोड़ के, और हाथ भी शिरसि अंजलि माधाय, हाथ जोड़ना एक बात है और उन हाथ को माथे पे रखना एक अलग बात है। कैकेयी को आनंद देने वाले यानी कैकेयी पुत्र भरत जो हैं, हाथ जोड़ के अपने सिर से अंजलि को लगा करके राम से कहते हैं, पूजिता मामिका माता दत्तम राज्यम मिदम मम तद्दवदामि पुनस्तुभ्यम यथा त्वम अददा मम। आपने मेरी माता को संतुष्ट करने के लिए, देखिए राम चाहते तो वनगमन न करते, क्योंकि कौशल्या ने एक बात कही थी, तुलसीदास ने इस चीज का उल्लेख किया है। कौशल्या ये कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता दशरथ ने आज्ञा दी है तो माता का स्थान पिता से श्रेष्ठ होता है संसार में, क्योंकि माता ही पहली गुरु है, माता ही पहली शिक्षक है, और माता ही अपने पुत्र के जन्म देने में और उसके लालन पालन में सबसे अधिक योगदान करती है। ऐसी स्थिति में माता का स्थान पिता से श्रेष्ठ है, तो अगर पिता दशरथ ने आज्ञा दी है तो मैं तुमसे कहती हूं कि तुम वन जाना कैंसिल कर दो, मत जाओ, माता की आज्ञा को श्रेष्ठ मानो। लेकिन अगर माता कैकेयी ने भी आज्ञा दी है
तो फिर तो भैया माता पिता दोनों की आज्ञा हो गई है ना, फिर एक माता की आज्ञा ये तो बैलेंस नहीं रह गया। और तब राम वन के लिए गए हैं। ऐसा देखिए, ये रामायण की कथा जो है ना, ये इतनी श्रेष्ठ कथा है कि सभी कवियों को इस पे कुछ ना कुछ लिखने की इच्छा हो जाती है। आज भी लोग लिखते हैं, आज भी इसके ऊपर सीरियल बनते हैं, एक के बाद एक सीरियल बनते हैं। मैं भी देखिए आपके सामने कथा को लेकर के बैठ गया हूं। ये विषय ही ऐसा है, ये कथा ही ऐसी है कि अगर कोई जरा सा भी प्रभु में आस्था रखता है तो उसको ये चरित्र प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है, स्वरूप बदल सकते हैं। कुमार विश्वास का राम के स्वरूप का वर्णन करना और मुरारी बापू के राम के स्वरूप का वर्णन करना, दोनों की शैलियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन राम के संदर्भ के उनके विचार जो है, ये इस कथा का प्रभाव जो उनके ऊपर है, उसके बारे में आप कुछ भी अन्यथा नहीं सोच सकते। चाहे एक कथावाचक की गद्दी पे बैठा हो और चाहे एक कवि के स्थान पे हो, मैं फिर से आप सबसे कहता हूं कि वाल्मीकि रामायण की जो कथा है वो मैंने आपको सुनाई है। इस कथा में जो भी परिवर्तन आए हैं, जहां जहां आए हैं, जिस जिसने किए हैं, वो सभी स्वीकार्य हैं, लेकिन मूल कथा को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए आपके सम्मुख विस्तार के साथ ये पूरा कथा प्रसंग प्रस्तुत किया है। तो भरत राम से कहते हैं कि आपने मेरी माता की इच्छा पूर्ण करके जो राज्य मुझे दिया था, सिर्फ वन में नहीं गए ना, राम को जो उनके पिता ने युवराज पद दिया था, जो अयोध्या का युवराज बनाया था, वो युवराज पद भी राम भरत के लिए छोड़ देते हैं। तो आज भरत कह रहे हैं, यथा त्वम अददा मम पुनः तुभ्यम ददामि तत्। आपने जो मुझे दिया था वो मैं आपका आपको वापस कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूं, इसमें मेरा कभी कोई अधिकार था ही नहीं, वो तो आपने मेरी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए काम किया था। और फिर जो भरत कहते हैं, देखिए पहले एक बात आ चुकी है, पिछले वीडियो में भरत ने ये कहा था कि आपका जो राज्य मैंने स्वीकार किया था उसको 10 गुना करके आपको दे रहा हूं, उसका कोष, उसकी धन, उसकी संपत्ति, उसकी समृद्धियां, प्रजा के सुख। भाई 14 साल में पूरी जनरेशन बदल जाती है। आप देखिए कि 14 साल में राजकीय क्षेत्र में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। तो भरत ने भी उन सारे परिवर्तनों को स्वीकार किया होगा, अयोध्या में जिन परिवर्तनों की जरूरत पड़ी होगी उनको किया होगा, बहुत कुछ बदल गया होगा 14 साल। तो वहां पे भरत ने ये कहा था, लेकिन यहां भरत वही जो उनका स्वभाव है, आत्मश्लाघा को नहीं मानते हैं, इसलिए कहते हैं, धुर्मेका किनान्यस्ता ऋषभेण वलीयसा किशोरी वे गुरुम भारम न बोढ़ुम महमुत्से। भाई जो बलवान बैल होता है ना, शक्तिशाली बैल, वो जिस भार को उठा करके ले जा सकता है, जिस बैलगाड़ी का धुरा या जिस बैलगाड़ी को वो बैल खींच के जितने वजन को लेके जा सकता है, एक घोड़ी जो अभी बिल्कुल नवयुवान है वो उस वजन को उठाने में सक्षम नहीं हो सकती है। विक्रम और वशिम में आयुष कुमार को जब पूर्व अपना राज्य देते हैं तो वहां पे भी यही बात आयुष कुमार ने कही है। यहां भरत ये कह रहे हैं कि इतना विशाल राज्य, इतना भार सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं तो एक सामान्य घोड़ी जैसा हूं और आप जो हैं बलवान वृषभ जैसे शक्तिशाली हैं, इसकी वहन क्षमता आप में ही है। वारी वेगेन महता भिन्ना सेतु रिवक्षरन दुर्बंधन मिदम मन्ये राज्य छिद्रम असंवृतम। बड़ा ही सुंदर उपमा के साथ महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जिस प्रकार जल के वेग से टूटे हुए बांध को पुनः बांधना कठिन होता है। देखिए उस समय पे भी बांध थे, ये इस चीज का प्रमाण है। राजा लोग उस समय भी सेतुबंध वगैरह करते होंगे। आज नर्मदा डैम बना है, गुजरात की पूरी भूमि तृप्त हो गई, राजस्थान तक उसके जल पहुंच रहे हैं,
अगर ये नहीं हो तो 12-12 साल तक लोग पानी के लिए परेशान रहे हैं, है? तो समझिए इस चीज को कि उस समय पे भी ये सारी चीजें थी। कभी कोई समय ऐसा आया है कि पृथ्वी पे बहुत बड़ा प्रलय हुआ, जो कि राम के समय की बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। आज जब खुदाई होती है तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी जो सभ्यताएं प्राप्त होती हैं वो किसी ना किसी काल की बड़ी ही समृद्ध इतिहास की गवाही देती हैं। तो यहां कहते हैं कि जैसे जल के प्रवाह से एक बार टूटे हुए बांध को बांधना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जो राज्य चारों तरफ से खुला हो, जिस राज्य की सीमाओं पे बाउंड्रियां नहीं बनी हुई हो, उस राज्य को संभालना भी कठिन होता है। देखिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बाड़ लगाई गई, बांग्लादेश की तरफ भी बाड़ लगाई गई, ये सारी चीजें देश को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी होती हैं। और ये आज जरूरी है ऐसा नहीं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं उस समय भरत ने ये बात राम से कही है, गतिम खर इवास्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वे तुम उत्सहे राम तव मार्गम अरिंदम। भरत कहते हैं कि जैसे कोई गधा जो है वो घोड़े की गति से दौड़ नहीं सकता है, कोई कौवा हंस की तरह उड़ नहीं सकता है, ऐसे ही मैं आपके मार्ग का अनुगामी तो बन सकता हूं लेकिन आपके रास्ते को काट सकूं या आपकी तरह से मैं उड़ सकूं और सारे कार्य कर सकूं, ये क्षमता मुझ में नहीं है। यथा चारो पिता वृक्षो जातश्चांतर निवेशने महंश्च सुदुरारोहो महास्कंध प्रसाखवान। से किसी वाटिका में एक वृक्ष लगाया जाए, यथा आरोपितो वृक्षो जातश्चांतर निवेशने, उस वृक्ष की पूरी मावजत की जाए, उसको अच्छी तरीके से संभाला जाए, उसकी सेवा शुश्रूषा की जाए, और वो भी जैसी उसकी सेवा की गई, जिस प्रकार से उसको लगाया गया, उसको बढ़ाया गया, उसी प्रकार से खूब बढ़े, खूब फूल दे, पुष्पित हो। लेकिन जब फल देने का समय आए और अगर वो फल नहीं देता है तो उस वृक्ष का होना व्यक्ति को सुख नहीं देता है, व्यक्ति को परेशान करता है। इससे तो वृक्ष का ना होना ऐसा वृक्ष एक कुपुत्र जैसा हो गया ना, कि जब माता पिता को ऐसी अपेक्षा हो कि हमारा पुत्र हमारा साथ देगा, उस समय पुत्र माता पिता का साथ ना देता हो। तो भरत कहते हैं कि अगर आज जब इस प्रकार से आप समृद्ध हैं, प्रभावशाली हैं, और फिर आपके पास से उस फल की प्राप्ति ना हो, यानी आपके द्वारा इस राज्य का संरक्षण ना हो, तो ये तो बड़ा ही अन्यायपूर्ण कार्य होगा। इसलिए हे प्रभु, ये कार्य अब आप ही संभालें। इस प्रकार से कहते हुए एशोपमा महाबाहो त्वदर्थम वेत्तु मनर्षि, ये उपमा जो मैंने दी है वृक्ष वाली वो आपके लिए ही है। यस्माद् मनुजेन्द्रत्वं भक्तान भृत्यान साधि, इसलिए हे प्रभु मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने भक्तों को और भृत्यों को, अपने सेवकों को और अपने भक्तों को, सबको आनंद कीजिए। इस राज्य का कार्यभार आप संभालिए। जगतद्याम अभिषिक्तम त्वाम अनुपश्यतु सर्वतः, भरत के वाक्य हैं। आज पूरी पृथ्वी आपका राज्याभिषेक देखे, आज समस्त प्रजा आपके राज्याभिषेक का आनंद प्राप्त करे। प्रपतंत मिवादित्यम मध्यान्हे दीप्त देवसाम, जैसे दोपहर के समय सूर्य प्रकाशित होता है, उद्दीप्त होता है, तेजस्वी होता है, उसी प्रकार से इस समय जो आपका सूर्य प्रकाशित हो रहा है, रावण का वध करके आए हैं ऐसा महाबली योद्धा उत्तरकांड में, देखिए रामायण की कथा लंका कांड के साथ यानी युद्ध कांड के साथ वाल्मीकि ने पूरी कर दी है। मैं इस ये अंतिम सर्ग है, इसके 2-3 वीडियो बनेंगे, लेकिन हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ आके वाल्मीकि ने रामायण की कथा तो खत्म कर दी है, फिर उत्तरकांड जो लिखा गया है वो बाद में ही लिखा गया है, और वो उसका प्रारंभिक भाग तो रावण चरित्र लगता है, रामचरित्र लगता ही नहीं है, लेकिन राम ने पूछा और अगस्त्य मुनि ने रावण का पूरा वर्णन किया, वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, समय के अनुसार उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे महान रावण जैसे योद्धा को, जिसने सर्वत्र दिग्विजय की है, उसको पराजित करने वाले राम का सामना कोई कर सके ऐसा है ही नहीं पृथ्वी पे। तो भरत कहते हैं कि आपका सूर्य इस समय
जिस तरह दोपहर का सूर्य चमकता है इस प्रकार से तेजस्वी है, और ऐसे आप जब राज्याभिषेक हो पूरा संसार इस चीज को देखे, पूरा संसार इसका आनंद प्राप्त करे, ऐसी भरत इच्छा व्यक्त करते हैं। यावदावर्तते चक्रम यावती चा वसुंधरा तावत्तु हे सर्वस्य त्वामित्वम अनुवर्तत। भाई जहां तक ये पृथ्वी फैली हुई है, जहां तक ये प्रकाश का चक्र चलता है, आप इस समस्त पृथ्वी के राजा बने, ऐसी शुभकामनाएं भरत दे रहे हैं या ऐसी अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं। आप समझिए, ये जो सूर्यवंशी राजा थे ये इतने प्रतापी थे कि जैसा किसी समय अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया के संदर्भ में कहा जाता था कि उनके राज्य में, महारानी विक्टोरिया के राज्य में सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, इतना उनका साम्राज्य फैला हुआ था। वही बात यहां पे, यावद आवर्तते चक्रम, जहां तक सूर्य का प्रकाश दिन में कहीं होता है कहीं रात हो जाती है, ऐसा नहीं, जहां तक पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश है वहां तक की पृथ्वी के आप शासक बने। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरंजयः तथेति प्रतिजग्राह निसदासाने सुभे। तब भरत की इस बात को राम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद उत्तम सिंहासन के ऊपर बैठते हैं। भरत को राम यहां पे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। देखिए ये होता है सबसे बड़ा सुख, जब आप किसी बड़े की गोद में बैठते हैं ना, तो इससे बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता इस संसार में। बड़ों का अपमान करके आपको कुछ नहीं मिल सकता, कभी कोशिश करके देखिएगा। आप कितने भी बड़े हो गए हो लेकिन अपने पिता के चरणों में बैठे हैं, और पिता अगर एक बार आपके मस्तक पे हाथ रख दे या माता आपके मस्तक पे एक बार हाथ रख दे, तो आपको जिस सुख की प्राप्ति होगी जाने अनजाने में भी, आप मान लीजिए ये सुख दुनिया में और कहीं किसी जगह अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। भरत राम को गद्दी तो सौंप देते हैं क्योंकि गद्दी का उन्हें कभी मोह था ही नहीं, लेकिन राम का जो स्नेह उनको मिला है, ध्यान दीजिएगा, राम जब अयोध्या वापस आ रहे हैं तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक गए थे और हनुमान को भेजा था कि जाके देख के आओ कि अयोध्या का राज्य चलाते हुए भरत का कहीं मन तो नहीं बदल गया है, लेकिन नहीं, भरत भरत हैं। और इसीलिए जब भरत ने राम से कहा था तो सारे वानर तकरो पड़े थे कि अरे वाह, ये है भरत का चरित्र। आज राम ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया है। भरत ने शत्रुघ्न को सब राज्याभिषेक की तैयारियों की आज्ञा दी है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास, रम्या रामायण की कथा चल रही है, आनंद लीजिए, धन्यवाद।